दिल्ली के इंडिया गेट पर लगेगी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अमर जवान ज्योति पर छिड़े विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके किया ऐलान। इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति की मशाल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जताई आपत्ति। राहुल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया यूथ घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी। छात्रों के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी, 8 लाख सरकारी पद महिलाओं को मिलेंगे, साथ ही 20 लाख सरकारी नौकरियों की होगी गारंटी। यूपी चुनाव के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का किया वादा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मोदी बोले, जिन प्रयासों से मंदिर का जीर्ण उद्धार हुआ वो हमारे लिए एक बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। किसानों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से गए थे मिलने, समय नहीं मिलने पर आवास के बाहर ही धरने पर बैठे। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी की रिसर्च में किया गया बड़ा दावा। हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला बुरांश का फूल से भागेगा कोरोना। देश में फिर डरा रहा है कोरोना। देश में बीते 24 घंटों में 3,47,254 कोरोना के केस दर्ज। कोरोना से 24 घंटों में 703 मरीजों की गई जान, वहीं एक्टिव केस 2 मिलियन के पार। दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दुकानों पर लागू होगा ऑड इवन सिस्टम। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। हरभजन सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अपने घर पर ही हैं क्वारंटीन। फ्रांस जर्मनी में ओमिक्रॉन के टूटे रिकॉर्ड। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से बुरा हाल। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 7 लाख से ज्यादा नए मामले हुए दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में फ्रांस में 4,36,00,000 नए मामले दर्ज। गूगल को लगा बड़ा झटका। यूरोप में गूगल एनालिटिक्स को इलीगल कर दिया गया है। इस्तेमाल करने पर लग सकता है भारी जुर्माना। गूगल एनालिटिक्स GDPR नियमों को नहीं कर रहा था फॉलो। अफ्रीकी देश घाना में खनन विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में हुआ बड़ा धमाका। धमाके से 17 लोगों की गई जान, 59 लोग घायल, 500 से ज्यादा इमारतें ढहीं। चीन ने पाकिस्तान के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर फिर शुरू किया काम। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले में मारे गए थे 10 चीनी नागरिक। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने दी जानकारी। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में धार्मिक समारोह में भगदड़ से 29 लोगों की गई जान। चाकुओं से लैस अपराधियों ने किया था हमला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा। इसके साथ ही 2021 के लिए NSE को ट्रेंड की संख्या के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कैश इक्विटी मार्केट चुना गया। गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर के IPO के लॉन्च होने की तारीख आई सामने। 27 जनवरी को होगा लॉन्च। 3600 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी। कहा, टीम में है ऑलराउंडरों की भारी कमी। हरियाणा की स्टार डांसर सपना चौधरी पर चढ़ा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का क्रेज। सिर पर चुन्नी लेकर सपना चौधरी ने बोला पुष्पा का डायलॉग। सपना का टशन देख इम्प्रेस हुए फैंस। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन आज। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कर रहा है ट्रेंड। सुशांत के फैंस ट्वीट कर उन्हें याद कर रहे हैं।